आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूँ आपके लिए आज के समाचार। डायबिटीज़ के खतरे सब जानते हैं, लेकिन प्री डायबिटीज़ के बारे में जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इस बीमारी के बिल्कुल करीब हैं उनके पास इससे बचने का एक मौका है। प्री डायबिटीज़ वो स्थिति है जब खून में शुगर लेवल खतरे के निशान के ठीक करीब होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी मरीज में प्री डायबिटीज़ का समय रहते पता चल जाए और इलाज कर दिया जाए तो डायबिटीज़ और उसके जानलेवा खतरों से बचा जा सकता है। प्री डायबिटीज़ को बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी कहा जाता है। आज हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी द्वारा मुरादाबाद के वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरसी अग्रवाल से इस विषय में हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज हम जानेंगे प्री डायबिटीज़ के विषय में। प्री डायबिटीज़ क्या है, क्या इसका महत्व है और क्या इसका असर है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर सामान्य से अधिक है लेकिन डायबिटीज़ के स्तर से कम है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। यानी कि अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से लेके 125, फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से 125 तक है या पीपी ब्लड शुगर 140 से 199 तक है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ के विषय में एक ख़ास बात यह है कि प्री डायबिटिक्स में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा डायबिटिक्स से भी अधिक होता है। इसलिए प्री डायबिटीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्री डायबिटीज़ वाले मरीज़ को अपनी ब्लड शुगर को सामान्य स्तर में नियंत्रण में रखें। प्री डायबिटीज़ के इलाज के लिए कोई विशेष दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। इसको जीवन शैली में परिवर्तन करके, नियमित रूप से व्यायाम करके और खान पान पे नियंत्रण रख के ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है और लंबे समय तक डायबिटीज़ के होने से बचा जा सकता है। हाँ, कुछ मरीज़ों में किन्हीं खास परिस्थितियों में, जैसे कि अगर वो मोटे हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या खून में चर्बी बढ़ी हुई है, तो प्री डायबिटीज़ में भी कभी कभी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेटफॉर्मिन। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।